अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? वैसे ही जैसा पहले था, जाहिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया स्टार और इंस्टाग्राम स्टार नंदिनी शर्मा के बारे में। इनकी बायोग्राफी लाइफस्टाइल आपको बता रहा हूँ। दोस्तों नंदिनी शर्मा टिकटॉक पर काफी पॉपुलर स्टार थी। ज्यादातर वक्त वह शॉर्ट वीडियो लिप सिंकिंग की वीडियो बनाती थी। जनता को उनकी वीडियो काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे और टिकटॉक पर काफी ज्यादा पॉपुलर क्रिएटर भी इन्हें टैग मिला हुआ था। नंदिनी शर्मा के 12 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। भारत में टिकटॉक बैन हो गया, उसके बाद इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना चैनल बनाया, इंस्टाग्राम पे अपना पेज बना के वहाँ पे वीडियो इन्होंने अपलोड करना शुरू किया। नंदिनी शर्मा की पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो आपको बताऊँ, इनका असली नाम नंदिनी शर्मा है। 21 जनवरी 1998 को इनका भोपाल में जन्म हुआ है। भारत में 24 साल 2022 में इनकी उम्र हो चुकी। हिंदू धर्म से बिलोंग करती है और इनकी हाइट 5.6 फीट है। वजन इनका 50 किलो है। आंखों का रंग काला और बालों का रंग काला है। शादी अभी तक इन्होंने नहीं की है। दोस्त नंदिनी शर्मा के दोस्तों अगर मैं करियर के बारे में बताऊं तो नंदिनी शर्मा प्रत्येक मंच पे काफी ज्यादा लोकप्रिय प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर उभर के आई है। अपने करियर की शुरुआत 2019 में टिकटॉक से की थी और उन्होंने करियर की शुरुआत में 4 साल पहले मॉडलिंग में अपना करियर शुरू कर दिया था। इंस्टाग्राम पर रील वीडियो बनाती है, यूट्यूब पर भी वीडियो बनाती है और मशहूर सोशल मीडिया स्टार की गिनती में आती है। नंदिनी शर्मा के अगर मैं स्टार्टिंग फैक्ट की बात करूं दोस्तों तो आपको बता दूं, नंदिनी शर्मा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मॉडल है। अकाउंट पे इनके इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पे 1 मिलियन से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं। भोपाल मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। उम्र 24 साल है और इनका जन्म 21 जनवरी 1998 को हुआ है। वीडियो बनाना काफी ज्यादा पसंद है। कई ब्रांड विज्ञापनों में भी इन्होंने अभिनय किया है। तो दोस्तों ये थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और भारतीय मॉडल नंदिनी शर्मा के बारे में इनकी बायोग्राफी लाइफस्टाइल। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।